प्लीज़ आप लगवा देना मैम। थैंक यू सो मच मैम। बने रही है और देखिए आगे क्या होता है। अजमल जी पूरा फूल। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स, दैट इज इंजीनियरिंग वंदा ब्लॉग्स। आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। अभी एक्चुअली क्या है ना कि स्वलक्स का कुछ काम दिया गया है, जैसे स्वलक्स वगैरह हो रही है 13th और 14th of April 2022। ओए यस ब्रदर, तो क्या काम दिया गया है अजमल जी? अरे ये बांटने के लिए दूसरे कॉलेज एक बार अच्छे से दिखाना भैया। ये स्वलक्स का क्या पोस्टर है ना? यस, फ्लायर है ना। तो अभी 5 कॉलेज में जाना है, डिफरेंट कॉलेज में, और फिर उनको एज ए इन्विटेशन के तौर पे देना है कि आप लोग अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए स्वलक्ष में, जो कि 13 बच्चे नहीं कॉलेज के बच्चे, हाँ कॉलेज के बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए, जो कि 13th और 14th of April को होने वाली है। और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन है इसमें, जैसे कैटेगरी जो कॉम्पिटिशन के वो फनी है, स्पोर्ट्स है, टेक्निकल, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ये सब है ना। अगर आप लोग भी ब्लॉग देख रहे हो जो लोग, तो अगर आप में से किसी को भी पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग भी कर सकते हो, कमेंट कर देना है ना। ओके तब तक के लिए अभी मिलते हैं दूसरे कॉलेज। हाँ दूसरे कॉलेज में मिलते हैं। हम लोग का पहला कॉलेज जो है वो KCC है, तो पहला इनविटेशन हम लोग KCC में देंगे स्वलक्ष का। अजमल एंट्री कर रहा है और अजमल के हाथ में फ्लायर भी है, फ्लायर बोलूँ या पोस्टर बोलूँ, ये KCC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यही कॉलेज है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। ये बाहर का कुछ नज़ारा है, आप देख सकते हो। ये अंदर का मैं दिखा रहा हूँ, जो एरिया है KCC का, अंदर का एरिया है। एक बार फ्लायर अच्छे से दिखाना। ये है स्वलक्ष, 13-14 अप्रैल को कंपटीशन हो रहा है और ये फ्लायर है स्वलक्ष का। चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो हम लोगों को फिलहाल डायरेक्टर सर से मिलना है, उन्हीं से परमिशन लेनी है। ये KCC के अंदर का कुछ एरिया है, रिसेप्शन एरिया कह सकते हो आप। हम लोग अभी डायरेक्टर सर से मिलने आए थे, मैम सॉरी डायरेक्टर मैम, लेकिन वो अवेलेबल है नहीं। मंगलमय का कैंपस ठीक, प्लीज आप लगवा देना मैम। थैंक यू सो मच मैम। और ये हम जा रहे हैं बेनेट यूनिवर्सिटी अपने सेकंड लोकेशन पे, तो ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आगे क्या होता है। पहुंच भी नहीं पाई। और ये वेनिस मॉल है, जो सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ सब कुछ बंद हो चुका है। पहले सिनेपोलिस भी था जो कि बंद हो गया, अब यहाँ बस अंदर पानी है, नाव चलता है। अभी हम लोग बैनेट यूनिवर्सिटी आए थे, तो ये बैनेट यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, लेकिन बैनेट यूनिवर्सिटी तो आए लेकिन अंदर जाने ही नहीं दिए लोग। ठीक है अभी घूम के जा रहे हैं बस दूसरे कॉलेज, अब क्या कर सकते हैं। रोक लिया गया, टॉल नहीं है अंदर। और ये हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरी हाईवे पे हैं और हम जा रहे हैं शिवनाथर यूनिवर्सिटी की तरफ। हमें भी दिखाइए, हमें भी। भाई चला, भाई चला। और ये टोल है जो अभी बंद लग रहा है, नहीं चालू है। Left, then take the ramp to Eastern Peripheral Expressway. Continue on Eastern Peripheral Expressway for 9 kilometers.
ये आप लोग देख सकते हो शिवनादर यूनिवर्सिटी, शिवनादर विश्वविद्यालय, और ये गेट नंबर 1 है। मैंने सोचा कि आप लोग को कॉलेज भी टूर करवाता रहूं, ज़्यादा तो नहीं, जहाँ तक हो सका, जहाँ भी पॉसिबल हो सका कैमरा निकालने के लिए, क्योंकि बहुत जगह पे ना कैमरा अलाउड होते नहीं, तो पूछना पड़ता है कि सर कैमरा निकालूं, बोलना पड़ेगा ना। ये भी सूर्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये जो फार्मेसी का डिपार्टमेंट है आप देख सकते हो। बाद बाकी आके चलते हैं, आगे मिलते हैं आप लोग से। इधर तो स्कूल लग रहा है, इधर स्कूल ही लग रहा है। रिसेप्शन एरिया कहाँ है? रिसेप्शन एरिया नहीं, डीपीएस का नहीं, विश्वविद्यालय का। आगे आप आए वहीं है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी उधर ही है। थैंक यू, थैंक यू। अजमल जी पूरा फुल फॉर्म में गाड़ी चला रहे हैं, देखिए कहाँ कहाँ घुसा रहे गेहूं का खेत। बाप रे, एकदम देसी फील आ रहा है भाई। हाँ, गूगल मैप, गूगल मैप, ये आप लोग देख सकते हो, हम लोग गाजियाबाद से भी निकल रहे हैं। 20 मिनट के करीब लगे। कंटिन्यू स्ट्रेट, देन टर्न लेफ्ट, स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, गूगल मैप एक ही सहारा। फाइनली हम लोग ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं। और एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग जो है डिफरेंट कॉलेजेस गए थे, 5 कॉलेज गए थे, और उस कॉलेज का नाम है, पहला तो है हम लोग बैनेट यूनिवर्सिटी गए थे, उसका शिवनादर यूनिवर्सिटी गए थे, फिर विश्व सर्वैया यूनिवर्सिटी गए थे, कॉलेज गए थे, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है, उसके बाद एक मंगलमय था। तो ये 5 कॉलेज हम लोगों को विजिट करने के लिए बोला गया था, क्योंकि 13th और 14th ऑफ अप्रैल को स्वलक्ष हो रहा है, तो उसी का प्रमोशंस के लिए, मतलब कि आप लोग कॉलेज में जाओ और वहाँ पे स्वलक्ष को प्रमोट करो, और वहाँ के डायरेक्टर और बच्चों से मिलो और कहो कि हमारे यहाँ स्वलक्ष हो रहा है और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। और हर एक अलग कॉम्पिटिशन्स के अलग अलग चार्ज है, किसी के 50 रुपये, किसी के 100 रुपये, किसी के 500 तक भी है, तो उसी को हम लोग प्रमोट कर रहे थे। मैं था और मेरे साथ अजमल था। तो ये बात है, अगर आप लोगों को भी किसी को भी पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, कमेंट कर देना, है ना। तो और तो फिलहाल यही है, ब्लॉग यही पे समाप्त करते हैं, बाद बाकी बाद में। लव यू, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, बाय।